लॉगिन डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोग जो चाहे जो अपना रहेगा डालेंगे। अपना पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ से लॉगिन करेंगे। इस टाइप का हम लोग यूआई डिजाइन बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे हम लोग ने दो फाइल बनाए, index.html style.css। html के बेसिक टैग लिख दिए हैं और जो ये css फाइल है उसे यहाँ पे हम लोग ने लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए लिंक टैग। नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी टैग है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिव टैग लेंगे, क्लास लेंगे, क्लास का नेम लिख देंगे कंटेनर, कंटेनर को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अनदर डिव टैग बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, क्लास नेम रखेंगे लॉगिन। लॉगिन के अंदर अनदर डिव टैग क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे लॉगिन डिस्प्ले। नेक्स्ट इस डिव टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर सबसे हम लोग डाल देंगे वेलकम बैक एंड इसके अंदर और जोड़ देते हैं लेट्स h1 टैग। यहाँ लिख देंगे लॉगिन। हम लोग यहाँ पे ओ कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल डालते हैं लेट्स। यहाँ पे देखिए आ गया। इसके बाद ने इस लॉगिन डिस्प्ले के बाहर निकलेंगे टैगिंग के जो है लास्ट का ड्यू टैग। लेट्स अनदर ड्यू टैग क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे यूजर एंड पास, यूजर एंड पासवर्ड इन सेंस, पर शॉर्ट में यूजर एंड पासवर्ड डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट अनदर ड्यू टैग जिसका नाम क्लास रखेंगे बॉक्स के, इसका क्लास नेम बॉक्स रखेंगे। इसके अंदर हम लोग दो क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप यूजर से ईमेल लेंगे, उनका ईमेल और पासवर्ड जो लॉगिन करेंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। नेक्स्ट इसके बाद इसको सेव करेंगे। इसका अगर आपको प्लेस होल्डर ना, प्लेस होल्डर डालते थे, प्लेस होल्डर इक्वल टू ईमेल आईडी। नेक्स्ट अनदर लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। प्लेस होल्डर डाल देंगे पासवर्ड। लेट्स इस डिव टैग के बाहर जाएंगे, जो हम लोग ने बनाया है यूजर एंड पासवर्ड, उस डिव टैग यहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद जाएंगे, इंटर दबाएंगे। नेक्स्ट अनदर, क्योंकि अगर हम लोग कभी कभी क्या रहता है लॉगिन फॉर्म में भी लिखा रहता है कि फॉरवर्ड पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो इसको लॉगिन करने के लिए आपको एक ऑप्शन रहता है कि फॉरवर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डाल एक ऑप्शन डाल देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। लेट्स इसके बाद लॉगिन का बटन दबाएंगे, जब यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे इसके बाद लॉगिन का बटन दबाएंगे, तो बटन हम लोग को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बटन के लिए बटन का क्लास नेम दे देंगे लॉगिन बटन। लेट्स बटन टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम लोग टाइप करेंगे लॉगिन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगर फास्ट लॉगिन करना है, हम लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालना है, तो हम लोग को एक दूसरा भी ऑप्शन देंगे विद द हेल्प ऑफ ए सोशल मीडिया अकाउंट। आप सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, तो ये भी डाल देते हैं कंटिन्यू विद सोशल मीडिया। नेक्स्ट अब हम लोग सोशल मीडिया में दो डालेंगे, एक अपना डाल देंगे ट्विटर, ट्विटर की मदद से आप डालिए, और दूसरा हो जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ ए स्काइप। यहाँ से हम लोग दो ही डाल रहे हैं, क्लास सोशल मीडिया डाल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस पेन टैग यूज करेंगे, सही रहेगा अपने लिए। एक क्लास नेम डाल देंगे ट्विटर, एक सेकेंड क्लास ट्विटर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे
स्पैन, इसका क्लास नेम दे देंगे स्काइप। लेट्स यहाँ पे लिख देंगे स्काइप, ये हमारा आ गया इधर। लेट्स अब इसके बाद चलते हैं अपने सीएसएस फाइल में इसको फुल्ली डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग सीएसएस के फाइल में अपना जो मार्जिन ऑफ पैडिंग है हटा देंगे सबका, मार्जिन भी हटा देते हैं। लेट्स सेव करते हैं। इसके बाद इधर हम लोग ने जो कंटेनर बनाया इसको डिजाइन करते हैं, यहाँ पे आएंगे डॉट लगा के पेस्ट करते हैं। क्लास को यूज करने के लिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए डॉट यूज करते हैं सीएसएस फाइल में। 100% विड्थ दे देते हैं, हाइट भी 100%। नेक्स्ट डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, जस्टिफाई फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम सेंटर। लेट्स ये हमारा हो गया, लेट्स सेव करते हैं। ये देखिए हमारा ये पूरा सेंटर में आ गया। लेट्स हम ये जो लॉगिन है इसे करेंगे। लेट्स यहाँ पे जाएंगे डॉट लगा के पेस्ट करेंगे, यहाँ पे विड्थ दे देंगे 320 पिक्सल, हाइट दे देंगे 530 पिक्सल। इसके बाद बॉक्स साइड डाल देते हैं -10 पिक्सल, -10 पिक्सल, 15 पिक्सल, RGB। इसका वाइट देंगे 255 255 255 0.3। लेट्स कॉमा 10 पिक्सल 10 पिक्सल 15 पिक्सल, RGB। लेट्स इसको सेव करते हैं, ये हमारा आ गया। इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम सेंटर, सेव। ये हमारा हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर हो जाएगा, अलाइनमेंट एक सेंटर पे हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये देखिए। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कि ये जो हम लोग ने लॉगिन बनाया है इसको डिजाइन करते हैं। लॉगिन डिस्प्ले डॉट पेस्ट करते हैं। लेट्स बैकग्राउंड सबसे पहले कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर 301A64। लेट्स हाइट डाल देते हैं 97%, विड्थ हाई इसका विड्थ कर देते हैं 97%, हाइट कर देते हैं 100% पिक्सल, कलर डाल देते हैं इसका। लेट्स इसके बाद इसका फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। लेट्स इसके बाद लेटर इसको स्पेसिंग दे देते हैं बिटवीन द 1 पिक्सल, पैडिंग 80 पिक्सल, 0 10 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल। लेट्स सेव इट अगेन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ने जो अपना नेक्स्ट बनाया है यूजर एंड पासवर्ड उसको डिजाइन करेंगे, और जो ये हम लोग ने ये थोड़ा पास पास में आएगा इसको भी थोड़ा कर देते हैं, नीचे पैडिंग कर देंगे। एक सेकेंड डॉट लॉग इन डिस्प्ले H1 टैग, थोड़ा सा गैप हो जाए बिटवीन द दोनों के अंदर, पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल, यहाँ पे 5 पिक्सल दे देते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल दे देते हैं। लेट्स सेव करते हैं, देखिए थोड़े से गैप हो गए। अब यूजर एंड पासवर्ड अब डिजाइन करते हैं, यूजर एंड पासवर्ड लिया है, यहाँ पे जाएं पोजीशन रिलेटिव ले लेते हैं, टॉप से
-25 ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कोलन नहीं लगाया, कोलन लेट्स ए आ गया। इसके बाद पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल। लेट्स बॉर्डर, बॉर्डर एरिया 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। नेक्स्ट, इसके बाद 0 पिक्सल। नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं वाइट। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, मार्जिन हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले फ्लैक्स, लेट्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम्स सेंटर, लेट्स सेव करते हैं, आ गया। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं नीचे डाउन साइड, पैडिंग, पैडिंग इज इक्वल टू 20 पिक्सल। लेट्स ए 20 पिक्सल। अब हम लोग ने जो यूजर एंड पासवर्ड के अंदर जो बॉक्स क्रिएट किया है इसको बना देते हैं, बॉक्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट, बॉक्स शैडो, -10 पिक्सल, -10 पिक्सल, 15 पिक्सल, RGB। इसको भी इसका कलर देते थे थोड़ा बहुत 224, 115, 220 देते थे, इसको थोड़ा सा डीमा कर देते 0.2। लेट्स अनदर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, RGB, सेव इट, लिटिल बिट दिस। नेक्स्ट अनदर इसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर साथ में देंगे जब भी चलेगा, बट लुकिंग फॉर द बेस्ट दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द डाउन साइड। लेट्स दिस पैडिंग आ गया अनदर। इसके बाद हम लोग ने जो ये इनपुट टैग जो लिया है इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करेंगे। लेट्स इनपुट टैग यूज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इनपुट से बिट विद द हेल्प ऑफ अ टैग से यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 पिक्सल। मार्जिन 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, ओके एन, विड्थ 100% दे देते हैं, नेक्स्ट आउट लाइन नन कर देते हैं, आउट लाइन नन, नन। लेट्स इसके बाद इसका बॉर्डर नन, पैडिंग पैडिंग रहने देते हैं, फाइनली दिस डन, द बोथ आर गिविंग। इसके बाद हम लोग ने जो फॉरगेट पासवर्ड किया है इसको डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी टैग जो हम लोग दिया है, तो इसको कलर सबसे पहले इसका चेंज करते हैं, कलर इसको डाल देते हैं थोड़ा सा ब्लूइश। लेट्स इसको टेस्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, सेव किया।
लेट्स। इसके बाद डॉट, जो हम लोग ने ये बटन क्रिएट किया है, ये बटन लॉगिन बटन, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। लेट्स ये हमारा बटन को, इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं, पेस्ट किए। लेट्स सबसे पहले इसका डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, विड्थ, विड्थ इसको देते हैं 200 पिक्सल, पैडिंग, पैडिंग देते हैं इसका 7 पिक्सल, 10 पिक्सल। लेट्स बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस इसका देते हैं 50 पिक्सल। लेट्स सेव इट। इसके बाद इसका नेक्स्ट कलर देते थे, कलर वही देते हैं जो हम लोग ने इसका बैकग्राउंड कलर दिया है। अभी इसका कलर ए दिए। लेट्स बैकग्राउंड कलर, जो हम लोग ने बैकग्राउंड कलर दिया सेम कलर दे देते हैं। नेक्स्ट सेव इट। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज डाल देते हैं 17 पिक्सल। लेट्स मार्जिन, इसका मार्जिन दे देते हैं 15 पिक्सल, 10 पिक्सल। लेट्स इसके बाद इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू नन। लेट्स इसके बाद हम लोग ने इसका अभी जो ट्विटर का जो सोशल मीडिया बनाया है इसको डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स यहाँ पे जाते हैं, सोशल मीडिया को कॉपी करते हैं। लेट्स इसके बाद चलते हैं अपने CSS के फाइल में, डॉट लगा के पेस्ट किए। लेट्स डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट या जस्टिफाइड आइटम हम जो कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। लेट्स देखते हैं नेक्स्ट मार्जिन, हम लोग यहाँ पे आइटम कर सकते हैं या कंटेंट भी कर सकते हैं जो चाहे हो। मार्जिन, मार्जिन देते हैं 21 पिक्सल, 0 पिक्सल। लेट्स सेव इट। विड्थ दे देते हैं 80%। अब जो हम लोग ने ट्विटर किया है इसको डिजाइन करते हैं, ट्विटर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉट लगा के पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका विड्थ देंगे, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, पैडिंग, पैडिंग इसका देते हैं 10 पिक्सल, कलर वाइट दे देते हैं। लेट्स पैडिंग दिस बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग लेट्स देख लेते हैं, ट्विटर का बैकग्राउंड कलर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ट्विटर। ओके सॉरी, ट्विटर लोगो कलर। लेट्स ट्विटर लोगो कलर, नेट स्लो है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसको नेट चला गया, एक सेकेंड
इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अनदर, ओके लेट्स कनेक्ट इट। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लूइश रखेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका डाल देते हैं 1D। ओके इट्स ओ गूगल, ओके साइड नहीं चल रही है, नेट्स वी आर आफ्टर द लिटिल बिल ब्लू डाल देते हैं इसका, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, लेट्स सेव इट। नेक्स्ट दिस हमारा हो गया, लेट्स इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए इस टाइप का आ गया। इसको लेटर स्पेसिंग भी डालना है, अगर आपको लेटर स्पेसिंग इसको दे देते हैं 1 पिक्सल लेट। अब इसके बाद हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, इसका स्काइप का, स्काइप को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं CSS फाइल में, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं लेट्स, सब कुछ वही रहेगा तो इसका कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ इसका कलर चेंज कर देंगे, कलर इसका वही डालेंगे जो बैकग्राउंड कलर है लेट्स। इसके बाद इसका मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन राइट 10 पिक्सल सेव इट। डाउन साइड एक बॉटम का जो आता है हम लोग को मोबाइल में वो डाल देते हैं लेट्स, यहाँ पे डॉट लगा के, एक सेकेंड, बॉटम का हम लोग ने शायद बनाया नहीं है कुछ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डी क्लास बॉटम लेट्स, यहाँ पे इसका क्लास नेम कॉपी करते हैं, CSS के फाइल में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं लेट्स, सब इसका हाइट डाल देते हैं 20 पिक्सल, विड्थ डाल देते हैं 100%, बैकग्राउंड कलर लेते हैं सेम टू सेम जो है, इतना हो गया लेट्स। इसका विड्थ हम लोग अपने हिसाब से कम करते हैं, 100 पिक्सल ले लेते हैं, इसकी हाइट 20, इसकी हाइट हम लोग 10 पिक्सल कहते हैं लेट्स। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल लेट्स डू। एंड अनदर यहाँ पे हम लोग इसका ए चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लैक में ले लेते हैं तो अच्छा दिखेगा, यहाँ पे 2 कर देते हैं लेट्स, यहाँ पे सेव करते हैं, दिस टाइप का हमारा बन गया लेट्स। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले की लॉगिन की, लॉगिन 110 कर लेते हैं, सेव इट, या सही रख देते हैं हम लोग, इधर मार्जिन ले लेते हैं बॉटम में, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल लेट्स सेव इट। फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ इस टाइप का हमारे लॉगिन पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग को इसको अगर बॉर्डर भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।